हेलो स्टूडेंट्स आई एम दिनेश गुप्ता टुडे आई विल टेल यू अबाउट दिस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड प्लांट्स एंड ह्यूमन वेलफेयर फर्स्ट क्वेश्चन द बर्ड ऑफ पैराडाइज प्लांट इज बर्ड ऑफ पैराडाइज प्लांट है रेविनेला मेडा सेकंड ऑप्शन, ऑप्शन जिया रेजिनी सी ऑप्शन हेलिकोनिया स्पीसीज या फिर म्यूसा तो इसका राइट आंसर है बी स्ट्रेलिटजिया रेजिनी यह जो है वो फैमिली म्यूजेसी का मेंबर है और साउथ अफ्रीका का प्लांट है ये प्लांट जो है ये साउथ अफ्रीका का प्लांट है और ये कल्टीवेट किया जाता है ब्यूटीफुल फ्लावर के लिए इसका फ्लावर जो है वो ब्यूटीफुल फ्लावर होता है नेक्स्ट है लेमन इज सॉर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ नींबू खट्टा होता है किसकी उपस्थिति के कारण एसिटिक एसिड कार्बोनिक एसिड सिट्रिक एसिड या फिर सल्फ्यूरिक एसिड यह तो पता होगा आपको सिट्रिक एसिड के कारण नींबू खट्टा होता है ये जो लेमन होता है वो विटामिन सी का सोर्स है नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर न्यू वर्ल्ड क्रॉप्स इनमें से कौन है जो न्यू वर्ल्ड क्रॉप है तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन सही है नट पोटैटो एंड पैरा रबर ये न्यू वर्ल्ड है अच्छा न्यू वर्ल्ड क्राफ्ट और ओल्ड वर्ल्ड क्राफ्ट क्या होती हैं न्यू वर्ल्ड क्राफ्ट वो होती हैं जिनका ओरिजिन सेंटर अमेरिका होता है ठीक याद रखना न्यू वर्ल्ड क्राफ्ट कौन सी होंगी जिनका ओरिजिन सेंटर अमेरिका होगा और ओल्ड वर्ल्ड क्राफ्ट कौन सी होंगी जिनका ओरिजिन सेंटर एशिया अफ्रीका एंड यूरोप होता है ठीक नेक्स्ट है इन इंडिया काटन इंडस्ट्री डिपेंड्स अपॉन फैमिली इंडिया में कॉटन इंडस्ट्री डिपेंड करती है किस फैमिली पर कंपोजिटी पर मालवेसी पर पामी पर या सोलनेसी पर तो इसका राइट right आंसर है मालवेसी मालवेसी फैमिली के अंतर्गत ये काटन आता है जिसका बॉटेनिकल नेम गॉसिपियम हिरसूटम होता है नेक्स्ट है विच फाइबर क्राफ्ट ऑक्युपाइज द मैग्जिम एरिया इन इंडिया कौन सी फाइबर क्राफ्ट है जो ज़्यादा मात्रा में इंडिया में पाई जाती है जूट है कॉटन है फ्लैग से या सीसल है तो राइट आंसर इसका कॉटन है गॉसिपियम फैमिली मालवेसी नेक्स्ट क्वेश्चन बोटेनिकल नेम ऑफ टी इज टी का बोटेनिकल नेम क्या है मतलब चाय का बोटेनिकल नेम क्या है पाइपर निग्रम थिया या कोमेलिया साइनेसिस कॉफी अरेबिका या टेक्टोना ग्रैंडिस इसका राइट आंसर है थिया या कॉमेलिया साइनेंसिस फैमिली थियेसी का मेंबर है ये नेक्स्ट है ए ड्रग फ्रॉम रूट विच ट्रीट्स मेंटल डिसऑर्डर एंड रिड्यूस ब्लड प्रेशर इज ऑप्टेंड फ्रॉम ऐसी कौन सी ड्रग है जो रूट से प्राप्त होती है और मेंटल डिसऑर्डर को ठीक करती है इसके अलावा ये रिड्यूसेस ब्लड प्रेशर ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करती है किस से प्राप्त होती है राउलफिया सर्पेंटिना से एट्रोपा बेलाडोना से कॉल्चिकम ल्यूटियम से या से? तो राइट आंसर इसका है सर्पगंधा जिससे सर्पेंटिन या रिसर्पिन नामक मेडिसिन प्राप्त होती है नेक्स्ट है क्विनिन इज ऑप्टेन्ड फ्रॉम क्विनिन कहां से प्राप्त होती है बार ऑफ कोना रूट ऑफ कोना ऊड ऑफ कोना या लीव्स ऑफ कोना तो इसका राइट right आंसर है बार काफ सिंकोना ये बार काफ सिंकोना से क्यूनिन प्राप्त होती है और क्यूनिन क्या है एंटी मलेरियल ड्रग है ये नेक्स्ट है वन फॉलोइंग इज नट इनमें से कौन सा जो जो नट है वालनट ग्राउंड नट नट या कोकोनट तो nut, ये ट्रू नट होता है इसका अच्छा नट है क्या ये काजू है इसका बोटेनिकल नेम इसका बोटेनिकल नेम है एनाकार्डियम ऑक्सीडेंटेल एनाकार्डियम ऑक्सीडेंटेल और इसकी फैमिली है एना जो मैंगो की होती है नेक्स्ट है द चीपेस्ट हाई एनर्जी फ्रूट क्रॉप ऑफ इंडिया इज इंडिया की चीपेस्ट हाई एनर्जी फ्रूट क्रॉप कौन सी है मैंगो है एप्पल है गुआवा है या बनाना है तो राइट आ, राइट आंसर इसका बनाना है इसका बोटेनिकल नेम म्यूसा पैराडिसिया का फैमिली म्यू म्यूजेसी फैमिली है इसकी तो ये क्वेश्चन थे प्लांट्स एंड ह्यूमन वेलफेयर के आने वाले एग्जाम के लिए आपके हेल्पफुल क्वेश्चन होंगे थैंक यू फॉर वॉचिंग